नमस्कार दोस्तों, सत्संग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करते हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के बारे में। ये आज हमारा दूसरा पार्ट होगा जिसमें और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले मैंने पहला पार्ट डाला था, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो जरूर देखना। साथ ही आप राजस्थान के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कम्प्लीट वीडियो राजस्थान जीके से संबंधित प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वार्षिक आर्थिक समीक्षा आमतौर पर बजट से एक दिन पहले पेश की जाती है और ये अर्थव्यवस्था की एक वार्षिक रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य का थोक मूल्य सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये RS के अंदर ही पूछा गया था, LDC के एग्जाम के अंदर ही पूछा गया था, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अदर वर्ष आगे भी पूछा जा सकता है, 1999-2000, ठीक है, 2016 के अंदर जो थोक मूल्य सूचकांक था वो था 282.61, ठीक है। 2017 के अंदर ये बढ़कर 290.55 हो गया। इसके अंदर जो वृद्धि हुई वो हुई 2.81% की, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक के अंदर कुल 156 वस्तुएं शामिल हैं, जिसके अंदर 75 प्राथमिक वस्तुएं, 69 विनिर्मित वस्तुएं, ठीक है, 10 ईंधन एवं ऊर्जा समूह से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग एवं वित्त की। सितंबर 2017 तक राज्य में कुल मिला के 6,957 बैंक कार्यालय ये शाखा, ठीक है, जिसके अंदर मित्रों 4,340 SBI और इसके सहयोगी बैंक है, 1,498 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, 1,081 निजी क्षेत्र के बैंक है, 6 विदेशी बैंक है, 32 लघु वित्तीय बैंक है। सितंबर 2016 से सितंबर 2017 तक राज्य तक बैंक जमाओं में वृद्धि कितनी हुई, वो हुई 14.86%। सितंबर 2017 तक राज्य में समस्त अनुसूचित बैंकों का साख जमा अनुपात कितना, तो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 68.64%। नेक्स्ट बात करते हैं उद्योग। वर्तमान में 36 जिला उद्योग केंद्र एवं 8 उपकेंद्र उद्योग विभाग के अधीन कार्यरत हैं, ठीक है, किसके अधीन है, उद्योग विभाग के अधीन। नेक्स्ट बात करते हैं तेल एवं गैस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 16 जनवरी 2018 को पंचमद्रा बाड़मेर में 9 मिलियन मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता की राजस्थान रिफाइनरी का शुभारंभ किया गया। ये देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें पेट्रोकेमिकल्स भी शामिल है और इसकी जो लागत है 43,129 करोड़ रुपये, ठीक है, और इसके अंदर राजस्थान सरकार और HPCL की भागीदारी है, जिसके अंदर HPCL 74% और राजस्थान सरकार 26%, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये मैंने करंट अफेयर्स के अंदर ही बताया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं खनन एवं खनिज की। यहाँ विभिन्न प्रकार के 81 खनिजों के भंडार हैं, जिसमें 57 खनिजों का वर्तमान में उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटन की। तो वर्ष 2017 के अंदर राज्य में कुल मिला के 475.45 लाख पर्यटक आए, जिसके अंदर 456.17 लाख स्वदेशी तथा 16.10 लाख विदेशी पर्यटक आए। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार की बात करते हैं। तो प्रथम हैकथॉन यानी ये टेक्नोलॉजी संबंधित है, एक प्रकार का मेला होता है जहाँ देश से टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी आते हैं, ठीक है, और तरह तरह की अपनी टेक्नोलॉजी को बताते हैं, ठीक है। तो मित्रों इस प्रकार से राजस्थान के अंदर कुल 5 हैकथॉन हुए, ठीक है। जो पहले हैकथॉन की बात करूं तो 21 मार्च 2017 को स्थान जयपुर, ठीक है, BS बिरला ऑडिटोरियम के अंदर हुआ। नोट के रूप में मैंने लिखा कि फर्स्ट डिजिपेस्ट, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया कि फर्स्ट डिजिपेस्ट के बारे में। फर्स्ट डिजिपेस्ट आयोजन के दौरान स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 3 नए प्लेटफॉर्म, ठीक है, कौन कौन से लॉन्च किए, यह है आई स्टार्ट चैलेंज फॉर चेंज, ठीक है, राजस्थान स्टेक, और ये संपन्न हुआ था कोटा के अंदर 18 अगस्त 2017 को, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ द्वितीय हैकथॉन 18 अगस्त 2017 को कोटा में, इसी के साथ जो प्रथम डिजिपेस्ट का आयोजन हुआ था, ठीक है, 18 अगस्त 2017 को। तृतीय हैकथॉन की बात करूँ उदयपुर के अंदर 2-3 दिसंबर 2017 को, इसमें 4 नए प्रोजेक्ट प्रारंभ हुए, कौन कौन से, ई मित्र प्लस, राजमेल, ठीक है, जो हिंदी में ईमेल आईडी प्रदान करने वाला, तो पहला राज्य कौन सा है, वो है
राजस्थान और राजमहल के नाम से ये प्रोवाइड करता है, इनक्यूबेशन सेंटर राज वाईफाई। ठीक है तो मित्रों ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ द्वितीय डिजिफेस्ट का आयोजन उदयपुर में हुआ। ठीक है तो एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट इसके अंदर शामिल नहीं है, तो तीन नाम ये हो सकते हैं और दूसरा कोई प्रथम डिजिफेस्ट वाला आ सकता है। नेक्स्ट है चतुर्थ हैकथॉन, ये जयपुर के अंदर हुआ 2018 के अंदर। पंचम हैकथॉन की बात करूँ तो बीकानेर के अंदर 25 से 27 जुलाई 2017 को हुआ। कृषि एवं संबंध सेवाएं, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल प्रचलित जोत धारकों की संख्या वो कितनी है, 76.55 लाख। ठीक है 2010-11 के अंदर 68.88 लाख, जो वृद्धि हुई वो हो 11.14%। राज्य में 2017-18 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 225.82 लाख मैट्रिक टन, 2016-17 के अंदर ये था 231.04 लाख मैट्रिक टन, यानी कमी हुई कुल मिला के वो कितनी हुई, -2.26% की। राष्ट्रपति बागवानी मिशन राज्य के 24 जिलों में संचालित है, ये भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। दलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, वो रखा गया 35.30 लाख टन। सिंचाई की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित 1,110.41 करोड़ रुपये व्यय कर दिसंबर 2017 तक 2,377 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं, ठीक है, अवेलेबल करवाई जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बात करें तो राज्य के अंदर कुल राजकीय प्राथमिक विद्यालय 35,664, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 20,644, प्राथमिक कक्षाओं सहित राजकीय माध्यमिक विद्यालय ये कितने हैं, 13,983। ठीक है यानी इनके अंदर सभी के अंदर जो कुल नामांकित विद्यार्थी हैं वो हैं 62.89 लाख। नेक्स्ट बात करता हूँ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की। दिसंबर 2017 तक राज्य में 115 चिकित्सालय, 586 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2,080 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण, 118 मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र, 14,406 उप स्वास्थ्य केंद्र है। ग्रामीण विकास एवं विशेष क्षेत्र कार्यक्रम की बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2017-18 के दौरान, ठीक है दिसंबर 2017 तक की बात करें, कुल मिला के व्यय हुआ 3,934.30 करोड़ रुपये। मानव रोजगार दिवस जो प्राप्त हुआ वो कितना, 1,818.19 लाख को। ठीक है लाभान्वित रोजगार परिवार, ठीक है कितने, 39.58 लाख, 0.3 लाख जो परिवार हैं उनको पूर्ण, ठीक है 100 दिवसों का रोजगार प्राप्त हुआ। राज्य में नोट के रूप में लिखा, मैं राज्य में दिसंबर 2017 तक 8,845 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। ठीक है कब तक, दिसंबर 2017 तक की बात की मैंने। ठीक है ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट जयपुर के अंदर 9/11/2016 को पहला हुआ था। ठीक है दूसरा हुआ कोटा के अंदर 24 से 26 मई 2017 को, उदयपुर के अंदर 7 से 9 नवंबर 2017 को, जोधपुर के अंदर चौथा हुआ 23 से 25 मई 2018 को। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक एग्रीगेट मीट यानी कृषि से संबंधित है। ठीक है ग्राम भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, यानी जो कृषि के क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करना है जिससे उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है पहला जयपुर, दूसरा कोटा, तीसरा उदयपुर, ठीक है चौथा जोधपुर के अंदर। अन्नपूर्णा दूध योजना, इसका जो शुभारंभ हुआ 2 जुलाई 2018 को जयपुर के देहमी कला गांव के सरकारी विद्यालय से। इसके अंदर चपता में 3 बार दूध वितरण किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है राज्य के सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से लगाकर 8 तक दूध पिलाना, कक्षा 1 से 5 तक 150 ml प्रति विद्यार्थी दूध पिलाया जाता है, कक्षा 6 से 8 तक 200 ml प्रति विद्यार्थी दूध पिलाया जाता है। गाँव में रजिस्टर्ड महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति तथा शहरों में सरस डेयरी से दूध की खरीदी की जाएगी और इस योजना को मिड डे मील योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। और भी जो योजना है मैं राजस्थान की योजना बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको जरूर। एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट, उद्देश्य राज्य में स्ट्रीट लाइट क्षेत्र में ऊर्जा बचत करने के लिए तथा सड़कों पर प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करना और विद्युत उपभोग में कमी करना, इसका जो उद्देश्य है किसका, एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट नाम ही क्या है, सेव करना एनर्जी को। ठीक है
राजस्थान भारत में सर्वाधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने में प्रथम स्थान पे है, तो कौन सा है? राजस्थान। ऊर्जा की बात करूँ तो वैसे मैंने ऊर्जा के बारे में बता चुका हूँ पहले पार्ट के अंदर, फिर भी देखिए, राज्य में अधिष्ठापित जो ऊर्जा है दिसंबर 2017 तक, 2016-17 के अंदर 18,677 मेगावाट, ठीक है, उत्पादन होता था, जो बढ़कर 2017-18 के अंदर 19,537 मेगावाट हो गया। राज्य में पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता की बात करते हुए 18,770 मेगावाट, ठीक है, 100 मीटर की ऊंचाई पे। ये तो मित्रों मैंने अनुमानित क्षमता बताई है, ठीक है, और दिसंबर 2017 तक कुल 4,292.5 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है, इतनी यानी प्राप्त करते हैं। राज्य में दिसंबर 2017 तक 2,258.50 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र ऊर्जा सौर संयंत्र स्थापित किए गए। राज्य सरकार ने राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2014 जारी की, जिसका लक्ष्य रखा गया 25 गीगावाट सौर ऊर्जा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आंकलन के अनुसार राजस्थान में सौर स्रोतों से सौर ऊर्जा प्राप्त करने की जो क्षमता है वो कितनी है, 142 गीगावाट। सड़क एवं परिवहन की बात करें तो राज्य में 31 मार्च 2017 तक सड़कों की कुल लंबाई 226,853.86 किलोमीटर है। सड़क घनत्व की बात करें तो 66.29 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ग्रामीण गौरव पथ योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 1,973 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 873 करोड़ रुपए व्यय कर 1,726 किलोमीटर सीसी रोड की सड़क का निर्माण किया गया। तो मित्रों मैंने बहुत ही कम समय के अंदर आपको ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा कंप्लीट करवाए, मात्र 24 मिनट के अंदर। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिए थे, अगर मैं बोर्ड पे बताता तो इसमें आपको टाइम ज़्यादा लग सकता था। ठीक है, इसी प्रकार मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा और योजना के बारे में एक दिन हम जरूर बात करेंगे। थैंक यू।